आजमगढ़ जिले के खरगापुर में 23 अगस्त को एक परिवार के 5 लोग साथ में अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले थे, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा खरगापुर पहुंचे, जहां वो मृतकों के परिजनों से मिले और उन्हें न्याय दिलाने और उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि खरगापुर में जो एक साथ 5 लोगों ने आत्महत्या की थी, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीने में अगर दिल है तो उसकी तुरंत CBI जांच करवाई जाए, जिससे मृतकों के परिजनों को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। देखिए, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने खरगापुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बारे में चर्चा करने एक प्रतिनिधिमंडल, मैं सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, नरेश सराफ सोनी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किरण अहिरवार हमारी लोकसभा की प्रत्याशी, यादवेंद्र सिंह जी हैं हमारे, आलोक चतुर्वेदी जी MLA, नीरज दीक्षित MLA, सरवर लोधी MLA, हम लोगों को आम जनता के बीच में भेजा है कमलनाथ जी ने। उन्होंने कहा है कि लौट के हमें पूरी रिपोर्ट दो। मैं जब यहाँ आया तो लोगों की एक ही मांग थी कि पुलिस ने बर्बरता का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से ज्यादा बर्बरता इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज की सरकार में पुलिस है। मैं उसको उदाहरण इसलिए भी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, यहाँ के आम नागरिक और व्यापारी जो मुझे उन्होंने बताया, पिछले महीने मंडला में दोनों परिवार के 6 लोगों की हत्या होती है, एक महीने बाद खरगापुर में 5 सोनी परिवार के लोगों की हत्या होती है, 2 दिन पहले मैं दतिया गया जहां पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहां पे एक थानेदार है श्रीमान भदौरिया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। पर मैं कहता हूँ वारे गृह मंत्री, वारे शिवराज, वारे SP दतिया, जिसके खिलाफ वारंट निकला वो कुर्सी में बैठ के 150 निरपराध लोगों के खिलाफ मुकदमा बना के जेल भेज रहा है। हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े थे राजेंद्र भारती, उनके बड़े भाई एडिशनल कलेक्टर हैं, उनको भी कल जेल भेज दिया। ये बर्बरता पूर्वक जो शासन इस समय चल रहा है शिवराज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शिवराज चौहान की चली नहीं रही है, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है ये अदाताई का रूप धारण कर लिया है, रावण से बड़ा रूप इस व्यक्ति ने धारण कर लिया है। जो यहाँ एक परिवार की हत्या होती है, बचा हुआ परिवार है उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये किस तरह की जांच है? यहाँ का TI सुनील शर्मा, मुझे बताया गया, मैंने उसकी ऑडियो सुनी है, किस अभद्र भाषा में गालियां बकते हुए ऐसे आदमी को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, जो शपथ लेके आता है जनता की सेवा की, और मैंने जो उसकी गालियां ऑडियो पे सुनी है, SP ने कहा कि मैंने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर क्या, उसका सब्स्टिट्यूट है, जब ऑडियो आपके पास आ गया सस्पेंड करके निलंबन की कार्रवाई ऐसे अधिकारी पकड़ना जी, जो जन सेवक नहीं, जन रक्षक नहीं, ये जन भक्षक है। लोगों ने कहा कि इतने कम समय में 10 करोड़ की संपत्तियां कमाई, हमें उससे मतलब नहीं है, जो निरपराध लोग 5 मारे गए हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से मांग करता हूँ, आम जनता खरगापुर की, व्यापारियों की तरफ से, कि यदि तुम ईमानदार जनसेवक हो शिवराज चौहान, तो CBI जांच की इंक्वायरी का आदेश आज ही कर दो, मेरा ये कहना है। मतलब कहीं 6 लोग हत्या की जा रही है, कहीं 5 लोगों की हत्या की जा रही है, और शिवराज चौहान अपने में मस्त बैठे हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे राजाधिराज हो गए हैं, गृह मंत्री का पद ऐसे व्यक्ति से तत्काल छीन लिया जाना चाहिए, जो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो हम कमलनाथ जी को आज रिपोर्ट लेके जाके देंगे, शिवराज सिंह चौहान से बात कराएंगे, DGP जोरी से बात कराएंगे, CBI इंक्वायरी की मांग हम करते हैं। इस समय जो पुलिस की जांच की दिशा है बिल्कुल गलत है, निरपराध लोगों को बंद किया, एक 65 साल की वृद्ध महिला जिससे चला भी नहीं जाता, इसी परिवार की सोनी पर उसे भी बंद किया हुआ है। तो यहाँ के व्यापारी खरगापुर के अभी 5 दिन बंद रहा है शहर, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि एक शहर हत्याकांड के विरोध में 5 दिन बंद रहता है। व्यापारियों से भी मेरी चर्चा हुई, उनका ये कहना है
कि हमें 10 दिन और बंद करना पड़ा। यदि हमारी दुकान है बाजार तो हम बंद करने को तैयार हैं, लेकिन सही न्याय मिल जाए मृतकों को, सही अपराधी पकड़ लिए जाएं, वरना हम फिर दुकानें बंद करेंगे। आज की बात ये